कोरोना के बड़े एपिसेंटर रहे महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर। महाराष्ट्र में नए केस में लगातार कमी देखी जा रही है। ऐसे में यहां सरकार ने 5 लेवल के अनलॉक प्लान का ऐलान किया है जो कल से लागू हो रहा है। महाराष्ट्र के सभी जिलों को वीकली पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांटा गया है। मुंबई को अनलॉक प्लान के लेवल 3 में रखा गया है। ऐसे में BMC ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की है। मुंबई में अनलॉक के दौरान मेट्रो की आवाजाही को बढ़ाया जा रहा है। अब मुंबई में कल से 30% से ज्यादा मेट्रो चलाई जाएंगी। इससे पैसेंजर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुंबई के अंधेरी मेट्रो स्टेशन से अतुल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 जून यानी कल के दिन से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुंबई लेवल 3 में है। कई सारी रियायतें मुंबई के लोगों को दी जाएगी। उनमें से सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो मुंबई के मेट्रो से सफ़र करते हैं। मुंबई की मेट्रो अभी फिलहाल जब लॉकडाउन था उस दौरान करीबन 100 ही फेरे इस मेट्रो ट्रेन के होते थे, लेकिन अब इसमें करीबन 30% की बढ़ोतरी की जा रही है। इसका जो फेरे होते हैं वो 100 से बढ़ाकर 130 कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई का जो ये मेट्रो है ये घाटकोपर से लेकर वर्सोवा के बीच में चलती है ट्रेन, जिससे रोज़ाना लाखों की संख्या में जो ट्रैवलर्स हैं यात्री हैं वो सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। ये काफ़ी चीप और कन्वीनियंट जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो है। इसकी वजह से अभी भी मुंबई के कई ऐसे लोग हैं जो मेट्रो से सफ़र करना प्रेफरेंस देते हैं, बशर्ते एज़ कम्पेयर टू लोकल ट्रेन और बसेज में 130 फेरे अब जबकि मेट्रो के कल से शुरू हो जाएंगे तो लोगों को जो राहत है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो तो खुलेंगे ही, साथ में जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं जो लंबे समय से लॉकडाउन में बंद हैं वहाँ पर भी 40-50% के अटेंडेंस के साथ वो सारे ओपन हो सकते हैं। और ये जो वर्सोवा से घाटकोपर के बीच का जो एरिया है, खासतौर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटेड ऑफिसेज, होटल्स और बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं वो इस लाइन पर पड़ते हैं, और ऐसे में इस मेट्रो से सफ़र करने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो उम्मीद की जा रही है कि जब 130 फेरे मेट्रो के होने लगेंगे तो यात्रियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और उनकी सहूलियत भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है।